नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 69 ई ऑक्शन को लेकर, जिसका नोटिस जारी हो चुका है। और दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आप सभी को 69 ई ऑक्शन के बारे में पूरी जानकारी बताने वाला हूं, जिसे 18 मई से किया जा रहा है। तो चलिए आज के इस वीडियो को बिना देरी के शुरू करते हैं। अगर आप सब चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। दोस्तों 69 ई ऑक्शन की नोटिस जारी हो चुकी है, जिसे 18 मई से किया जाएगा। और दोस्तों एक और बात मैं आप सभी को बता दूं कि 69 ई ऑक्शन कोई बड़ा एनुअल ऑक्शन नहीं है। अगर कोई भी चैनल इस ई ऑक्शन में अपने एप्लीकेशन को सबमिट करना चाहता है तो वो 17 मई को ही कर सकता है दोपहर के 3 बजे तक, क्योंकि एप्लीकेशन सबमिशन का लास्ट डेट 17 मई को रखा गया है दोपहर के 3 बजे तक। इसके बाद कोई भी चैनल अपने एप्लीकेशन को सबमिट नहीं कर सकता है। और दोस्तों इस ई ऑक्शन में जो भी चैनल अपने एप्लीकेशन को सबमिट कराने के बाद सक्सेसफुली स्लॉट जीत जाता है, तो वो चैनल आप सभी को 25 मई से डीडी फ्री डिश के प्लेटफॉर्म पर देखने को मिल जाएगा। और दोस्तों सबसे बड़ी बात यह है कि इस ई ऑक्शन को किस स्लॉट के लिए किया जा रहा है। तो दोस्तों इस ई ऑक्शन को डीडी फ्री डिश के एमपी G4 स्लॉट्स के लिए किया जा रहा है, जिसे 18 मई से किया जाएगा। और दोस्तों 69 ई ऑक्शन डीडी फ्री डिश के केवल एक स्लॉट के लिए किया जा रहा है, क्योंकि आप सब तो जानते हैं कि डीडी फ्री डिश के MPAG4 सेट टॉप बॉक्स से एक चैनल को रिमूव कर दिया गया है। और दोस्तों इसी स्लॉट को भरने के लिए डीडी फ्री डिश का 69 ई ऑक्शन किया जा रहा है, जो कि 18 मई से किया जाएगा। और दोस्तों जो भी चैनल लॉन्च होगा वो आपको 25 मई से देखने को मिल जाएगा। तो आप सभी को क्या लगता है कि यहाँ पे आप सभी को कौन सा नया चैनल देखने को मिलेगा? मुझे लगता है कि यहाँ पे आप सभी को कोई न्यूज या फिर डिवोशनल चैनल देखने को मिलेगा। आप सभी को जो लगता है आप सब कमेंट कर सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी और जानकारी के साथ। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए, और साथ में चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि हमारे द्वारा दी गई इन्फॉर्मेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों।